जय हिंद दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट मैसेज मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको टूर ऑफ ड्यूटी का बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भर्ती आ गई है। इसी महीने से आपका टूर ऑफ ड्यूटी आपके इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई दोहराई नहीं है। आप 21 तारीख का जो आपका देखिए नव भारत टाइम्स के अंदर पूरा का पूरा क्लियर पेज नंबर 15 पे 21 मई 2022 को बिल्कुल डिक्लेयर करके बता दिया है कि भाई अब टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर 4 साल के लिए तीनों सेनाओं के अंदर जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपका होगा। अब इसके अंदर आपको बता देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज होगा। अब इसके अंदर हम पक्ष में थे, विपक्ष में थे, बात की बात है। अब ये हमारे को आ गया तो हमें जाना है कि नहीं जाना, अगर जाना है तो कैसे, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी जो एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के अंदर जो किया गया है इसके तहत अब परमानेंट और जो इसके 4 साल बाद जो रिटायरमेंट लेंगे उसका प्रोसीजर बता देता हूं कि इसके अंदर जो भी कैंडिडेट होंगे उनका किस तरीके से परमानेंट होगा मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया कि जो फाइनल हो चुका है ये, इसमें आप देखिए कि भाई अंतिम रूपरेखा दे दिया गया, इसी महीने से ऐलान हो जाएगा कि आपका किस आईआरओ, बीआरओ और जेडआरओ के अंदर ये भर्ती कहां से पहले शुरू हो जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर 4 साल की नौकरी है, सेना में भर्ती किया जाएगा, इसके बाद यह तय होगा कि वो कितना, उसमें से कितने परसेंटेज परमानेंट होंगे और कितने परसेंटेज को उनसे बाहर कर दिया जाएगा। उसका चयनित करने के लिए उनका जो काबिलियत होगा, ये देखिए काबिलियत के हिसाब से अगर आपके अंदर एक अच्छे सोल्जर के गुण होंगे कंटिन्यू रहने के लिए तो आपको रख लिया जाएगा, और बाकी जितने भी कैंडिडेट नॉर्मल स्तर के होंगे उनको यहां से एक डिग्री देकर के और दूसरे नौकरियों के लिए उनको भेज दिया जाएगा। अब आपको बताता हूं कि जैसा शॉर्ट सिलेक्शन जो ऑफिसर्स होते थे उसके अंदर से जब उनका सिलेक्शन होता था तो 25 से 20% जो उसके अंदर ऑफिसर्स होते थे उनको परमानेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता था, बाकी 75% लोगों को उनको शॉर्ट सिलेक्शन सर्विस के टाइम के अकॉर्डिंग उनको बाहर कर दिया जाता था। उसी तरीके से अब इसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी में ओआरएस रैंक मतलब कि सिपाही रैंक को भी लिया गया। अब आपको बताता हूं कि इसके अंदर धीरे धीरे और भी बदलाव की बातें कही गई है कि अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रोसीजर होगा सेम जो पहले भर्ती निकलती थी उसी तरीके से आपका पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद आपका फिजिकल बाद में होगा और पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि इसके अंदर क्लियर कट बता दिया गया है, जिसके अंदर आप वो किसी तरीके से फेरबदल नहीं करेंगे। तो जो भी लड़के हैं जो अपनी तैयारी इंडियन आर्मी के अंदर कर रहे हैं तो वो अब अपने फिजिकल के साथ साथ अपनी रिटर्न के ऊपर भी पूरा फोकस करें, किसी ऐसे जगह पे ना अपना दिमाग और ध्यान और समय लगाएं जहां पे आपका कोई भी कैरियर नहीं बन सकता, वहां पे आपका रिटर्न क्लियर नहीं हो सकता। तो आप ऐसे जगह पे जाएं जहां पे आपका फिजिकल, रिटर्न और कंप्लीट सारा चीज मेंटेन होकर के आ सके। अब आपको बता देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर आपका सिलेक्शन होने के बाद इसके अंदर 4 साल के अंदर जो गतिविधि होगी मैं क्या-क्या इसमें बताया गया है कि 6 महीने का मतलब कि आपका जो बेसिक ट्रेनिंग होगा वो 6 महीने का होगा और एडवांस ट्रेनिंग होगा जो 1 महीने रिक्रूटमेंट के बाद होगा वो आपका अलग से 3 महीने का या 2 महीने का होगा वो किया जाएगा। जो भी लड़के इसके अंदर सिलेक्ट होंगे वो उसका जो एज होगा वो लगभग 17 से 18 साल, इसमें 18 साल पूरा क्लियर किया हुआ है, 17.5 साल से 18 साल के कैंडिडेट को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा 10वीं पास वाले बच्चों को, और जब 4 साल हो जाएगा तो उसका एज लगभग 21 से 22 साल हो जाएगा, और उसको होने के बाद वहां से अगर वो कंटिन्यू परमानेंट में नहीं कन्वर्ट होता तो उसको वहां से जो भी भर्ती के दौरान एक प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री दे करके उसको वहां से मतलब कि रिटायरमेंट दे दिया जाएगा कि आप अब किसी और चीज में आप जा करके दूसरे दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या और भी किसी में पीटीआई में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी सारा का सारा चीज वो आप आगे जाकर के दूसरी नौकरी में करेगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो नया रिक्रूट होगा उसको 30,000 रुपए सैलरी से स्टार्टिंग होगा, उसके अंदर उसको जो एरिया के हिसाब से अलाउंस वगैरह होगा या फिर जो भी एमएसपी होता वो सारा का सारा चीज दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल जो नव भारत टाइम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसी महीने से भर्ती होगी उसके अंदर ये सारी डिटेल दी हुई है। अब आपको बताते हैं कि जो लड़के इसके अंदर से रिटायरमेंट लेंगे उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी, जो ECHS जो मेडिकल की फैसिलिटी होती है वो नहीं दिया जाएगा और ना ही इसको पेंशन मिलेगी। उसके बदले में यहां से उनको 10 से 12 लाख
रुपए लगभग आपको एक बल्क में अमाउंट दे दिया जाएगा जो ग्रेजुएटी के रूप में होगा, वो आपको इकट्ठा ही दे दिया जाएगा ताकि आप जब तक एक छह महीना एक साल आप कोई नई सरकारी नौकरी या कोई भी अपना काम सेट नहीं हो जाता जब तक आप इस पैसे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब उसके बाद एक जो सबसे अहम क्वेश्चन था कि अगर मैं तीन साल चार साल के लिए जाता हूं, अगर मेरे उस बीच में अगर मैं किसी मिसहैपनिंग में युद्ध में कहीं पर भी अगर कुछ हो जाता तो क्या होगा, तो आपको बता दूं कि उसके अंदर यहां पे क्लियर कट बता दिया गया है कि ड्यूटी पर किसी भी सैनिक के शहीद होते ही उसके परिवार को बीमे के रूप में 40 से 50 लाख रुपए का रकम दिया जाएगा, जो कि अभी जो भी हमारे सैनिक शहीद होते हैं, हम लोग भी आर्मी में थे तो हमारे को भी बताया गया था कि भाई आपको इस तरीके से जो एजीआई फंड में से आपका कटता उसमें से आपको मिलेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि देखो अब ये भर्ती तो फाइनल है कि इसी महीने में आ गया, आपको अब इसके पक्ष में और विपक्ष में अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, क्योंकि पिछले ढाई साल हो गए यार भर्ती नहीं निकल रही थी, अब निकली है, टैलेंट है, अब इसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे, अगर अच्छा और टैलेंट होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरे वाले में हम लोग कर लेंगे, अब इसके विरोध करेंगे तो एक साल दो साल और लग जाएगा जब तक सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो यार मैं तो यही बोल रहा हूं कि जो भी लड़के हैं ना, अब इसके अंदर हम लोग मेहनत करके तैयारी करवा रहे हैं, आप तैयारी करो और आप भर्ती हो, आगे अपना टैलेंट दिखाओ और आगे आप कंटिन्यू परमानेंट हो जाओ, और नहीं तो आप डिप्लोमा लेकर के आओ, कोई भी एक्स आर्मी का कोटा आपका लग करके आप किसी भी महकमे में आप जाओ, आपका सिलेक्शन उसके अंदर 101% होगा। तो मैं अपनी एकेडमी के अंदर आप लोगों का राय मशवरा से पूरा का पूरा बैच चालू कर चुका हूं और 21 तारीख का आया था, मैंने अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब मैं कंटिन्यू इसके ऊपर पूरा फुल फोकस करके अपने बच्चों को रिटन और फिजिकल दोनों चीज की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करवा करके इस महीने के जो भी भर्ती निकलेगी मैं 101% बता रहा हूं कि किसी भी एकेडमी से आप कंपेयर करके देख लेना, मेरी एकेडमी का जो बच्चा होगा उसको मैं सबसे ज्यादा यहां से रिजल्ट दूंगा और उसका सपना और उसका टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर से माध्यम से परमानेंट में सबसे ज्यादा मेरे लड़के सिलेक्ट होंगे। आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहे, इस टूर ऑफ ड्यूटी का जो भी डिटेल आता है मैं आपको पूरा का पूरा बताता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद।